अल्लाह स्टार्ट। हाँ तो अभी तक ये वाला रूम हमारा था, ठीक है। वैसे तो इस रूम को हमने काफ़ी दिन पहले चेंज किया था, जब यहाँ पे सुनामी आई थी उस टाइम में हमने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था एक कोने में से, तो हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर गए थे, ठीक है। और तब से लेके इस रूम में हम नहीं आए। और ये रूम कैतरीन ने अपनी एक फ्रेंड को देने का डिसीजन दिया, मतलब अभी हम ये रूम किराए पे किसी को दे देंगे ताकि हमें थोड़ा किराया आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये रूम हम उन्हें दे रहे हैं। वैसे इस रूम को मैंने काफ़ी हद तक ठीक ठाक किया था, जैसे ये वॉलपेपर वगैरह, ये सारे, ये मैट वगैरह सारा कुछ मैंने खरीद के यहाँ पे लगाया था सारा कुछ। तो अभी हम ऐसे ही उनको दे देंगे। तो जो दूसरा रूम है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे सारा कुछ लेके आऊँगा और उस रूम को फिक्स कर लेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 पैसों लगेगा, तो वो रूम भी ठीक ठाक अच्छी मतलब क्वालिटी में हो जाएगा। तो अभी के लिए वहाँ पे ये पेपर वगैरह कुछ नहीं है, नीचे जो फ्लोर पे हम बिछाते हैं कारपेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लेके आएंगे। तो ये उसकी फ्रेंड कल मतलब यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, अभी आई नहीं है। तो यहाँ पे जो सामान है वो अभी हम निकाल रहे हैं, ये बॉक्स वगैरह, ये वाईफाई वगैरह यहाँ पे था इसी रूम में सारा कुछ, तो अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सारा सामान हम अभी समेटेंगे और दूसरे कमरे में लेके जाएंगे। सत श्रीकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उपे गरेवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, दुयान। तो ये रही एकन। एकन हाय, ओके हाय, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हाँ तो कैतरीन यहाँ पे होल करती हुई वाईफाई की वायर जो है वो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके कनेक्ट करेंगे। तो वाईफाई हमने बाहर लगा दिया है। वैसे ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इसकी वायर ये है और यहाँ से पावर आएगी प्लग वाली, तो इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो काम अभी कैतरीन ने संभाला है। ये रही वायर की सेटिंग करती हुई। और ये रहा अपना थोड़ा टेम्परेरी बेस पे रूम, ये बॉक्स वगैरह यहाँ पे रख दिए हमने, ये अपना बेड है, ठीक है। और ये जो वॉल के कलर वगैरह है ये हम यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह लगा देंगे, ठीक है, एक या दो दिन में। ओके, वेरी गुड। और ये भी अभी के लिए इस तरह से टांग रखे हैं, ठीक है। तो इसका भी कुछ जुगाड़ अच्छे से करेंगे प्रॉपर। तो अभी के लिए सारा कुछ ऐसा ही है। वाओ मैकेनिक, से सेट पीपल हाय, गुड इवनिंग गाइस, आना कस्टमर हाय। वेरी गुड। एकन तू की करता सी हैं? एकन हाँ, तो ये मिनरल वाटर की दुकान हमारे पड़ोस में बिल्कुल न्यू ओपन हुई है। तो यहाँ से फ़ायदा ये है कि ये अच्छे से हमारे गैलन वगैलन जो होती है उसे अच्छे से धो के अंदर बाहर से फिर उसमें पानी भरते हैं और देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जितनी बार भी हम भराएंगे हर 4-5 दिन के बाद, तो अच्छे से उसे पहले धोया जाता है और फिर बाद में उसमें पानी भरा जाता है, तो ये अच्छी बात है। हाँ तो कैतरीन धो रही है अपने स्कूटर को, क्योंकि ये यहाँ पे काम चल रहा था, ये जो दीवारें हैं ना इनके ऊपर प्लास्टर वगैरह हुआ है न्यू, तो स्कूटर पूरी तरह से गंदा हो गया था। कैतरीन गुस्सा भी कर रही है कि मेरा स्कूटर गंदा कर दिया, और धो भी रही है।
हाँ तो इसे धो तो दिया लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। कितने टाइम से अभी मैं इसे किक मार रहा हूँ, पहले बैटरी भी इसकी लो हो चुकी है सेल्फ लगा लगा के, देख सकते हो। What happened? No working? No? Allah. Wala na. Mama, room room wala na. No start. Ay, wawa mama, wawa. Allah start. Daddy. Allah start. Go. हाँ तो अब ऐसा लग रहा था कि अब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये सारा कुछ जो कोरोना वरोना है इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा, कहते हैं कि वैक्सीन भी आ चुकी है ना। तो अभी के लिए क्या हुआ, हमारे यहाँ के जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे कल एक न्यू अनाउंसमेंट हुई है कि अगर हमें बाहर जाना है कुछ छोटा सा सामान लेने के लिए भी तो मास्क तो पहनना ही था ना, पहले से पहन रहे हैं, तो फेस शील्ड भी अभी लगानी पड़ेगी। ये रूल शुरू में आया था, बाद में ख़त्म हो गया था, लोग इतना फॉलो नहीं कर रहे थे। परसों रात ये रूल फिर से निकाल दिया गया कि ये पहनना ही पहनना है बाहर जाने के टाइम। वैसे लोग कुछ फॉलो कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू रूल है हमारे एरिया में, पूरे फिलीपीन में है ये नहीं पता, हमारे एरिया में है कि ये पहनना ही है फेस शील्ड बाहर निकलने के लिए। पता नहीं क्या कुछ चल रहा है यार। हाँ तो यार अभी के लिए क्या है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मुझे बाहर जाना है, कुछ छोटा सा सामान लेके आना है घर का खाने का, तो वो मैं सोचा कि बाहर से बना बनाया ले आता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पास छाता नहीं है, कैथरीन एक छाता ले गई है और ये एक छाता है ये ख़राब है, तो इसके साथ देखता हूँ अगर गुजारा हो जाए। ये देखो क्या कंडीशन है इसकी, कुछ इस तरह से, तो कुछ ऐसी हालत में है। तो चलो जैसा भी है, तो अभी के लिए जाना तो पड़ेगा, तो मैं अभी इसे लेके जा रहा हूँ बाहर और बारिश काफ़ी हो रही है, मैं सोचा कि चलो बाहर से ही बना बनाया कुछ ले आता हूँ और खा लेते हैं। चलो बाकी ये बातचीत आके करते हैं। यार कई बार मैंने मैसेजेस देखे हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि हमारे पास जो शादी वाला वीज़ा नहीं है 9G वीज़ा है, तो यार हमारा कब स्टार्ट होगा काम, हमें आना है, हम फंसे बैठे हैं ये वो। और कुछ लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए थे तो उनके भी प्रॉब्लम है, वो भी आने में उनको दिक्कत आ रही है ना, तो उसकी भी मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसके में मतलब लिखा है कि गवर्नमेंट जो है सोच रही है उन लोगों के बारे में भी जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा हैं, मतलब अदर वीज़ा हैं, क्योंकि शादी वाले वीज़े को ही परमिशन थी आने के लिए, या एक डॉलर वीज़ा होता है कुछ पैसे वैसे जमा करा के जो PR मिलती है, तो वो लोग आ सकते थे, है ना, तो जो उसके अलावा जो वीज़ा है वो लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि वो भी जल्दी आएंगे, कोई फिक्स तारीख नहीं कुछ भी बताई गई, लेकिन सोच रही है, तो ऑफकोर्स कुछ टाइम में वो न्यूज़ भी आ जाएगी कि जो बाकी लोग फंसे हुए हैं वो भी आ सकते हैं। और ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, अदर कंट्री वाले लोग भी हैं जो काफ़ी लोगों के पास जो आना चाहते हैं वो अभी तक आ नहीं पा रहे हैं, और मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, जिनके पास वीज़ास हैं ऑलरेडी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो अदर कंट्री से भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं, काम करते हैं ना, तो उनके पास भी अदर काइंड ऑफ वीज़ास होते हैं, तो वो लोग भी फंसे बैठे हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में, तो वो जो लोग आना चाहते हैं तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि जल्दी ही उनका भी आने का कोई जुगाड़ किया जाएगा, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, या कई तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं लोगों की ज़िंदगी में, सिर्फ वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारा कुछ गवर्नमेंट सोच रही है कि जल्दी ही ठीक किया जाएगा, कब किया जाएगा ये बिल्कुल नहीं पता, बाकी देखेंगे क्या होता है। और इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कल मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।